कहानी सुनो, जुबानी सुनो मुझे। तो अभी यहाँ पे हमारे घर में डिबेट चल रही है पैंट लाने की, कौन लाएगा पैंट सस्ती। मैं तो कल भी गया था, कल पैंट दी नहीं उसने सस्ती, 50 रुपए के चक्कर में वहाँ जग मारी रात में। बताओ दुकान वाले से कौन सा था? बोल रहे थे कि नैना दीदी कम करवाएगी कौन था पैसे है? कौन था? एक था। जब ऐसे लोगों के पास जाएगा तो कौन देगा? राज वाली दुकान भी जाता। मम्मी बोल रही थी कि जो पैसे कम करवा सकती है वो है नैना दीदी। जबरदस्ती। हाँ ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। मैं बोला नहीं था आपने? है बोला था ना आपने कि दीदी कम कराएगी पैसे? अरे वो है ना, बोलना पड़ता है वहाँ पे। बोला था आपने नहीं? नैना दीदी कम कर, नैना दीदी कम कराएगी। हाँ है ना, बोला तो। हाँ बस प्रूफ भी लिया है मैं। तो बाकी यार अभी मैं सो के उठा तो अभी कपड़े वपड़े पैक किए जा रहे हैं हिमाचल निकलने के लिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर में हिमाचल निकलेंगे। बाकी उससे पहले मैं नाश्ता वगैरह कर लेता हूँ। तो अभी मैं बाल कटवा के आया, थोड़े छोटे करवा लिए यार, थोड़े थोड़े छोटे करा लिए क्योंकि वो ना सेट नहीं हो रही एक जगह। बाकी अभी देखो मूवी आ रही है कृष्ण भगवान की, ये बचपन में आप लोगों ने भी देखी होगी, अभी मैं भी देख रहा था थोड़ी बहुत ही। बाकी अब निकलने का टाइम हो गया, तो टाइम हो जाएगा ज़्यादा और शाम को लगेगी फिर ठंड, तो ये फटाफट फटाफट निकलते हैं। मैं सीधा आपको मोटर ब्लॉक पे मिलता हूँ। तो बाकी यार अभी फटाफट रेडी वगैरह हुआ है, बहुत लेट हो गया, निकलना जल्दी था। इसे कह रखूँ मगर मैं, बैग इतने सारे हो गए हमारा? ठीक है साहब, दो कपड़े डाले डिग्गी में और चलो लड़कियों का बेगा रहा इतने सारे कपड़े, और इसमें तेल भी नहीं है। मान लो ये ढाकी पे जाके तेल खत्म हो गया फिर क्या करेंगे? धक्का तो मारना ही पड़ेगा, फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप धक्का मारना, मैं बैठा रहूंगा। आप पे तो चला नहीं रहती, पता चला नाली में घुसा दी। देखते आज कितने का पेट्रोल डलेगा यार, उस दिन का 350 नहीं 450 के आसपास डला था। आज देखते हैं टंकी कितने में फुल होगी, क्योंकि आज एक ही डंडा है टिम टिम कर रहा है, जो देखते हैं कितने में फुल होगी। 100, 200, 300, 400, 450 में हुई भाई। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। पैस किया 500 में फुल हुई भाई, भयंकर 520 में टंकी फुल हुई इसकी। इससे बढ़िया तो बाइक सही है, पहले 350 में होती थी टंकी बड़ी होगी क्या इसकी? कोई सेंस है इस बात? और ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता, मगर पेट्रोल भी महंगा नहीं हुआ, और हुआ तो हुआ क्या फिर यार, समझ से बाहर है। और यार अभी नया दीदी के घर पहुंचने वाले, क्योंकि नया दीदी, अंकिता दीदी, नैना दीदी और मैं और गुड़िया दीदी तो आई वहीं पे जहाँ पे हम जा रहे हैं। बाकी वो देखो सामने के माउंटेन्स क्या सही लग रहे हैं, ये चक्राता के माउंटेन्स हैं, मगर इसमें बर्फ नहीं दिख रही, मगर इसके अपोजिट साइड पक्का बर्फ होगी, पक्का 101%। जाएंगे जाएंगे, अभी पहले मैं हिमाचल से आ जाऊँ फिर बर्फ देखने चलेंगे। हम वहाँ पे एक दो दिन के लिए नहीं जा रहे, हम वहाँ गाँव बसाने जा रहे हैं अपना। इतने कपड़े भाई, कौन पहन रहा है इतने कपड़े? कहानी सुनो, जुबानी सुनो मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था मुझे प्यार हुआ। क्या चमक रहा है यार पानी, आज का व्यू कुछ और ही दिख रहा है। उस दिन जब हम यहाँ पे पोटा साहिब आए थे, यहाँ पे रुके थे, आपको याद होगा अगर आपने व्लॉग देखा होगा तो, पहले नहीं होती थी यहाँ पे बोटिंग ना, आप होने लगे मगर। अरे भैंस की आग मॉडल, अगर इसे ऐसे कोई पीछे से आके ठोक दे, अरे भाई साहब पोज खतरनाक। ये कर दिया था भी टेढ़ा दीदी ने, टेढ़ा कर दिया था अभी दीदी ने ठोक के पैर से। गर्मी हो रही है आज, मैंने जैकेट पहन रखी ना दो दो, तो मेरे को अभी गर्मी लग रही है, बट अभी पोटा साहिब के बाद वहाँ पे पूरा ठंडा ठंडा लगेगा जहाँ से जंगल स्टार्ट होगा, इसलिए ठीक है मैंने दो जैकेट पहन ली। अभी 236 हो रहा है, हम पहुँचेंगे 330 तक। वो पैर से लगाना उसमें कैप्चर हो गया, वही डालूंगा व्लॉग में और डालूंगा दीदी को गाड़ी चलानी नहीं आती। ये देखो यार, ये ना हिमाचल के पहाड़े जो आप राइट पे देख रहे हो, बट वो सामने पता नहीं क्या चमक रहा है, बहुत तेज चमक रहा है यार वो, देखो सामने धूप की वजह से चमक रहा है आई थिंक, और पता नहीं क्या है वो, देखो खतरनाक ही चमक रहा है। अगर आप हिमाचल की साइड आ रहे हो ना तो एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे ना पहले नहीं था ऐसा, पहले था या नहीं था मेरे को नहीं पता, बट अब ऐसा है कि आपको दो हेलमेट पहनने ही पहनने पड़ेंगे, क्योंकि हम भी एक ही पहन के आ रहे थे बट फिर हमें पता लगा क्योंकि नेहा जी अपने काम से इधर आती रहती ना, तो उन्होंने बताया कि अब दो हेलमेट हो गए वहाँ पे। अब लग रहा है कि असली हिमाचल शुरू हो गया, क्योंकि अब यहाँ पे ठंडा ठंडा स्टार्ट हो गया लगना। जय माता दी, आज तो भीड़ लग रही है यहाँ पे, इसका चलान कटेगा पक्का, नंबर देख लो, अगर कोई पुलिस अंकल हो इसका चलान काट। अच्छा। और चलान से याद आया मेरे को यार, क्या सब जगह ही ऐसा हो गया कि एक तो स्टंट करते हैं जो बंदे वो, और एक एग्जॉस्ट की वजह से, इसकी वजह से चलान बहुत कट रहा है। बोलते हैं ना जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, अगर मेरे पास अभी तक बाइक आ जाती ना मैं तो उसमें पता नहीं क्या क्या मॉडिफिकेशन करा देता, एग्जॉस्ट तो लगाता ही लगाता और फिर अपना भी चलान कटता, पक्का कटता, क्योंकि मैं फिर घूमता रहता इधर उधर,
और आप लोगों को कंटेंट देता रहता एक से एक, बट उसके चक्कर में चलान भी कट जाता। तो सही हुआ भी ली नहीं हमने, उससे पहले ही ये पता चल गया कि भाई चलान वलान कट रहे। एक तो मार्च लास्ट आने वाला है ना, तो इस वजह से भी ज्यादा चलान कटता है मार्च लास्ट आने में। भाई एक बंदा है उसका 3 लाख रुपए का चलान कटा, बताओ। इंस्टा पे व्हाट्सअप वगैरह पे जितने भी बाइकर्स लवर है सब ने लगा रखा था, जो राइड वगैरह पे जाते हैं मेरे दोस्त और भी, उन्होंने बताओ 3 लाख का चलान, बाप रे। और बाकी यार अभी सीधा जाएंगे हम पहले गुड़े दीदी के घर, और वहां से बैक साइड पे नदी वगैरह है और बहुत प्यारी लोकेशन है उधर। अगर हम जल्दी पहुंचना तो उधर जरूर जाएंगे, क्योंकि जंगल पास है तो मोर वगैरह घूमते रहते हैं वहाँ। तो वो भी दिखाऊंगा मैं आपको अगर दिखे तो, और वहाँ पे एक खतरा भी है उधर, वगैरह वगैरह भी आ रखा है यार। ये देखो क्या मस्त लग रहा ना, हो भाई लकड़ी का बना रखा पूरा, मस्त लग रहा हूँ। और क्या बना रखे, कुछ तो कलाकारी है। वो मोड़नी है, मोड़नी मोड़नी है, मोड़ के तो बड़े बड़े होते ना, कैसे बनाते होंगे भयंकर। ये कोई छोटा सा बच्चा इसका, मैं ज्यादा बोल रहा था मगर एक घंटे में पहुंच गया। हेलो उषा से, राइट से जल्दी जल्दी करो, उधर चलते हैं फिर पीछे। वहाँ मोर है, वहाँ मोर है पीछे, मोर है वहाँ पे। गुड़िया दीदी बता दी कि आते रहते हैं वहाँ पे। अभी पी लूंगा अभी पीऊंगा, अभी पीऊंगा। ब्लॉक करते हो ना? हाँ, यहाँ का पानी पसंद नहीं आता ना, ऐसा हट जा गया। जाओ यहाँ से, हट जाओ यहाँ ही लेटेगी। कैसा रहा उल्टी का एक्सपीरियंस? ये हट जाओ, हट जाओ। देख रहे कितना बड़ा है, मोड़नी है ना, मोड़नी लकड़ी का बना रखा, कैसे बना रखा। और भयंकर। सो फाइनली अभी पहुंचे हिमाचल, और यहाँ का व्यू कुछ ऐसा। मैं यहाँ पे जाने की बात कर रहा था यार, इस जगह पे ना कुत्ते से ज्यादा बघेरे हैं इधर, अब बघेरे से ज्यादा कुत्ते हैं इधर। अरे व्हाइट वाले तो है वो, बच्चे वहाँ खेल रहे हो, छोटे छोटे बच्चे, आप डर रहे। मम्मी को लेके चलो, बछड़े को लेके चलो सबसे आगे। हलाल घंटे क्या, तो आप हलाल हो गए बाबू। यहाँ बघेरा है, बघेरा कहाँ पे है, है क्या? और यहाँ आ गया अगर तुम्हारे पास, फिर आ गया, आ गया बस। नील मुर्गा ही है वो दीदी, नील मुर्गा है, इसे पकड़ लो आज, इसे बनाएंगे। अरे बैठा हुआ, इसमें कैमरे भी नहीं दिख रहा, वो तो दीदी की शक्ल देख के भाग गया हो। इसमें लगती है पैर, सबसे भारी मांस किसमें है? मांस आपको छोड़ देगा आके सबसे पहले। ले भाई आज दावत तेरी, नहीं आपको आके कर देंगे, ले भाई दावत तेरे, एक बोतल दे देंगे, 80 वाला पौआ। नहीं प्लानिंग क्या क्या कर रहे थे कि कल को रेडी होके आएंगे, वहाँ पे हरा हरे वो लगे होंगे और वहाँ पे हम अपने पल्लू घुमाते गए। और यह सूखा पड़ा मैदान, ये क्या है भाई, कसम से अगर आएगा ना वो एकदम आएगा। वो वही जंगल देखो, पूरा जंगल है ये, वहीं से आएगा ऊपर से भगता हो या उनके बच्चे दिख जाए, मैं बस बच्चे बच्चे हाँ उनका व्लॉग बना के मैं चल दूंगा अपने घर। फिर नहीं दिखने मैं दूर दूर तक, ना वहाँ दिखे मोर ना दिखा कुछ, ऐसे आगे बस। तो बाकी यार अभी रात हो चुकी है और अभी डाइट खा रहा हूँ मैं, तो अब मैं एडिटिंग करूँगा। खाना मैंने तो खा लिया और डाइट भी खा ली, मैं आराम से इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि सब सो चुके हैं, जहाँ हमें जाना है ना कल वहाँ जाएंगे। तो बाकी नेक्स्ट व्लॉग में देखना, बाकी दिस और फॉर द व्लॉग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर एंड बाय। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ।